बाबा सिद्दीकी से भी बुरा हाल करेंगे, सलमान को फिर धमकी, जिंदा रहने के लिए मांगी इतनी मोटी रकम। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से सलमान खान लगातार विश्नोई गैंग के निशाने पर हैं। एक्टर को लगातार धमकियां मिल रही हैं। अब मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने व्हाट्सएप के नंबर पर एक धमकी भरा मैसेज आया है, जिसमें अभिनेता सलमान खान से 5 करोड़ रुपए की मांग की गई है। भेजने वाले ने स्पष्ट संदेश दिया है कि हमारे संदेश को हल्के में ना लिया जाए। कहा है कि यदि सलमान खान जिंदा रहना चाहते हैं तो लॉरेंस बिश्नोई के साथ दुश्मनी खत्म करना चाहते हैं तो उन्हें 5 करोड़ रुपए की रकम देनी होगी। अगर ये रकम नहीं दी तो सलमान खान की हालत बाबा सिद्दीकी से भी बदतर कर दी जाएगी। इस धमकी के बाद मुंबई पुलिस तेजी से जांच में जुट गई है। परिवार को सता रही सलमान खान की चिंता। उधर सलमान खान का परिवार लगातार मिल रही धमकियों और बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद से लगातार चिंता में है। सिद्दीकी की मौत के बाद सलमान खान के परिवार ने किसी विजिटर को अपने घर आने से भी मना कर दिया है। परिवार सलमान खान की सुरक्षा को लेकर भी चिंतित है। हालांकि सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, उन्हें अब वाई प्लस सिक्योरिटी दी गई है। कब हुई थी बाबा सिद्दीकी की हत्या? बता दें कि बीते 12 अक्टूबर को लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के शूटरों ने बाबा सिद्दीकी की हत्या की थी। सिद्दीकी अपने बेटे के ऑफिस के बाहर थे जब शूटर वहीं बाहर पटाखे चला रहे थे। पटाखों की तेज आवाज का फायदा उठाते हुए उन पर गोलियां बरसाई गई। घटना करीब रात 9:30 बजे की है। बाबा को फौरन अस्पताल ले जाया गया लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। बाबा सिद्दीकी अपनी सोशलाइट इमेज और भव्य इफ्तार पार्टियों के लिए जाने जाते हैं। वो कथित तौर पर कई बॉलीवुड स्टार्स के करीब थे। उनकी पार्टियों में बॉलीवुड के कई सेलिब्रेट आते हैं। बाबा को सलमान खान का काफी अच्छा दोस्त माना जाता है। उन्हीं ने शाहरुख खान और सलमान खान की दूरियां मिटाकर दोबारा से उनकी दोस्ती करवाई थी।